नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। खबरों से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मुल्तानी टू का कफ सिरप, सभी प्रकार की खांसी में तुरंत आराम। राम मंदिर के लिए कुंभ में परम धर्म संसद का आगाज, 3 दिन तक चलेगा आयोजन। ओवैसी ने भारत रत्न को लेकर उठाए सवाल, बोले मजबूरी में अंबेडकर को दिया गया ये सम्मान। शिवसेना और भाजपा साथ लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, सीट बंटवारे का होगा पुराना फॉर्मूला। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गडकरी की टिप्पणी पर बोले ओवैसी, कहा केंद्रीय मंत्री ने दिखाया पीएम मोदी को आईना। स्वागत है आपका मिडडे खबर में और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। राम मंदिर मुद्दे पर शीघ्र फैसला आने की उम्मीद एक बार फिर झटका लगा है। 29 जनवरी को राम मंदिर मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सुनवाई शुरू करनी थी, लेकिन संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबड़े के अनुपस्थिति होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल सकती है। बता दें कि इससे पहले 10 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ द्वारा सुनवाई शुरू करनी थी, लेकिन 5 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस यू ललित ने बेंच से खुद को अलग कर लेने के चलते सुनवाई को टाल दिया गया था। इसके बाद बेंच ने बिना किसी सुनवाई के इस मामले में 29 जनवरी को अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर ये मामला टलता नजर आ रहा है। और एक बार फिर सुनवाई टली, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, तो आगे और तारीख या फिर फैसला। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन निगम जी, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। नवीन जी, तारीख पर तारीख, आगे और तारीख या फिर फैसला, क्या बोलेंगे? देखिए, अयोध्या मामले में जो तारीख है वो एक टेक्निकल मामला है कि वो छुट्टी पर है जज उनके जी, लेकिन इस मामले को लेकर के बाहर जो एक प्रेस्क्रिप्शन तैयार किया जा रहा है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है पहले से, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अपनी एकाध सभा में कह चुके हैं कि कांग्रेस के कुछ वकील, कांग्रेस के कुछ लोग राम मंदिर मुद्दे पर डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये है मामला तकनीकी, देखिए, लेकिन तकनीकी के अलावा ये मामला अब चुनाव सभाओं में या जो सभाएं होंगी उसमें फिर इस पर जोर दिया जाएगा, फिर भाजपा के नेता इसमें जोर लगाएंगे कि देखिए, हम पहले ही आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर डेट बढ़ाने का काम चल रहा है और ये सब कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, ये उनकी पूरी कोशिश होगी, तो इसका वो थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। भले ही राम मंदिर पे बीजेपी अब ये समझ चुकी है कि शायद अब ये फैसला चुनाव से पहले नहीं आएगा, तो वो एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिस रणनीति में वो ये सारा आरोप दोषारोपण वो सारा कुछ जो है कांग्रेस या विपक्षी नेताओं पर लगाएंगे जी। अजय जी, 27 अक्टूबर, फिर 4 जनवरी, फिर 10 जनवरी और अब 27 जनवरी, आगे कौन से महीने की कौन सी तारीख होगी अभी इसका कोई अता पता नहीं है, और लगातार लोगों की भावनाओं, लोगों की श्रद्धाएं जो राम मंदिर, लला मंदिर से जुड़ी हुई हैं, लगातार आहत हो रही हैं, तो कोर्ट इस पर क्यों लगातार इस पर फैसला नहीं ले रहा है और तारीख पर तारीख डालते जा रहा है? देखिए, टेक्निकल मामला है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये मुद्दा कोर्ट से हल हो जाएगा? मुझे याद है 2010 में हाई कोर्ट ने एक फैसला किया जी, नहीं, लखनऊ बेंच ने फैसला किया था जिसके आधार पर ये मामला दूसरा पार्टी, एक अपोजिट पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट ले गई। देखिए, कोर्ट से मामले हल होने वाले नहीं, डेट पर डेट तो एक तो हम लोग कभी कहते हैं कि जब बाप मुकदमा दायर करता है तो पोते तक भी फैसला नहीं होता जी। मुझे वो दिन भी याद है श्रुति, 1 फरवरी 1986 जब राम मंदिर का ताला खुला था, मैं वहां पहला व्यक्ति था दर्शन करने वाला, क्योंकि मैं संबंधित डीएम के यहाँ बैठा था, वहीं से पांडे जी को संदेश मिला कि ताला खुला। फिर 6 दिसंबर 1992 को जब वो विवादित ढांचा गया, मैं भी वहां था, मैं पीटा गया। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ
कि मेरी 50 वर्ष की पत्रकारिता हो गई है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भव्य मंदिर कब बनेगा। और मुझ जैसा व्यक्ति जो पहली फरवरी को भी 1986 में दर्शन किए थे, 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरते हुए देखा, आखिर उस भव्य मंदिर में क्या मैं जीते जी दर्शन कर सकूंगा? बड़ा सवाल सवाल ये है कि ये अब राजनीति का मुद्दा बन गया। आप एक तरफ ये कहते हैं चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए हम अध्यादेश नहीं ला पा रहे, अरे बहुत सी चीजें होती है जो कोर्ट से वापस ले ली जाती, बहुत से मुकदमे ऐसे हैं अपराधियों पे, राजनीतिक अपराधियों के मुकदमे होते हैं कोर्ट से आप वापस दे लेते हैं। देखिए ये केवल और केवल कैसे राजनीति राम मंदिर पर जिंदा रहे ये है, और हर पक्ष ये चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं चाहती है, भारतीय जनता दोनों ही चाहते हैं कि इसका नफा नुकसान हमें हर बार चुनाव में मिलेगा, लेकिन ये मुद्दा कहीं भी कोर्ट से हल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोर्ट जो भी फैसला करेगा, तारीख पर तारीख होते 20 साल बाद भी अगर फैसला होगा तो जो विरोध में होगा वो एक और दूसरी केस उसमें दायर करेगा। मैं समझता हूँ ये आपसी जीत से या फिर इस मामले को कोर्ट से वापस लेके और एक अध्यादेश ला करके, आप 3 तलाक पे अध्यादेश ला सकते हैं और चीजों पर अध्यादेश ला सकते हैं, सबरीमाला वाले मामले पर हो सकता है, तो क्यों नहीं राम मंदिर जैसा मुद्दा है, करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ी है, साधु संत आप देखिए अयोध्या में आप कुंभ चल रहा है और कई लोग तमाम अब कहने लगे अब ये एक मुद्दा बनने लगा भारतीय जनता पार्टी के लोग, साधु संत तो आपको श्राप दे। इस स्थिति में मैं समझता हूँ मुद्दा कोर्ट भी चलती रहे, अभी तो पहले हुआ कि एक मुस्लिम जन नहीं है उसको किया जाए, वो शामिल हुआ, फिर एक संबंधित है उस 5 बेंच में एक जज साहब छुट्टी पर, कब कब कोई ना कोई मामला आएगा, जब जब छुट्टी पर रहेंगे कोई मामला आएगा, स्ट्राइक हो जाएगी। तो कोर्ट के मामले 20-20 साल चलते हैं, मैं तो ये भी अभी नहीं समझ रहा हूँ, अभी तो प्रारंभिक दौर में सुनवाई जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ था, 3 जगह पर ये जमीन बांटी गई थी जी। तो उसमें एक पक्ष गया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें अब वकील भी उधर से लगते हैं, कांग्रेस के भी वकील लगते हैं, तो हर कोई इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है और राम मंदिर आज की तारीख में राजनीतिक मुद्दा ही है। अब ये भावना और संवेदना या आस्था का प्रश्न कम लोगों में है जितना राजनीतिज्ञों में इसको राजनीतिक माहौल देने का मामला है जी। तो आखिर राम मंदिर मंदिर पर क्यों लगातार इस पे राजनीति खेली जा रही है या लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लगातार इस पर सुनवाई होती रहती है, कभी जस्टिस यू ललित इस बेंच से हट जाते हैं, फिर 5 बेंचों की फिर से गठित की जाती है और एक दिन पहले सुनवाई होने से पहले एस बोबड़े जो है इससे छुट्टी ले लेते हैं। तो लगातार अगर सरकार देख रही है कि कोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुना पा रही है तो सरकार अन्य मुद्दों पर अध्यादेश ला सकती है, आरक्षण को संशोधन में विधेयक पास करके, संविधान में संशोधन करके विधेयक पास करा सकती है, 10 दिन के अंदर अगर इसको कानून बना सकती है तो आखिर राम मंदिर मुद्दे पर क्यों अध्यादेश नहीं ला सकती है। आगे बढ़ते खबरों की तरफ, भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना से उसके संबंध सुधर रहे हैं, भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं का मानना है कि 2 महीने बाद होने वाली लोकसभा चुनाव में दोनों दल फिर साथ आ सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ कराए जाने के संकेत दिए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि दोनों दलों के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शिवसेना का भाजपा के साथ 30 साल का पुराना गठबंधन है, दोनों दल मुंबई नगर महापालिका के अलावा महाराष्ट्र और केंद्र दोनों सरकारों में साझेदारी भी है। तो 30 साल पुराना रिश्ता शिवसेना और बीजेपी का, पिछले चुनाव में 20 में से 18 सीटें जीत हासिल की शिवसेना में और 24 में से 23 सीट हासिल की बीजेपी ने, लेकिन 2 और सीटों की मांग की जा रही है शिवसेना की तरफ से, क्या बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो पाएगा? आलोक जी, अजय जी माफ करिएगा, अजय जी आपसे है प्रश्न मेरा जी। दिनों से ये गठबंधन चल रहा महाराष्ट्र जी, आपके ठाकरे साहब बाला साहब ठाकरे के समय से ये गठबंधन चल रहा, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक रूप से कहा जाए 2 पहलू आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रही है, साथ
स्थानीय मुद्दों पर विवाद होता रहा, लेकिन चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे वहां नगर निगम के चुनाव हो, दोनों साथ लड़ते हैं, ये बात अलग है। सीटों का बंटवारा हो जाता है और मुझे लगता कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, बड़ा महागठबंधन जब लोगों का बन रहा है, तो ये छोटे छोटे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र से लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा भी होगा, किसी को ज्यादा मिल जाएगी किसी को कम, लेकिन जो कि पुराना 30 वर्षों से गठबंधन चल रहा है और जगह जगह साथ रहे हैं, आपसी मनमुटाव कुछ स्थानीय नेताओं को लेकर के होते रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन सफल होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके सीटों के बंटवारे के आधार पर लोकसभा का 2019 का चुनाव लड़ेंगे और काफी हद तक इनको सफलता मिलेगी महाराष्ट्र में। जी नवीन जी, क्या 100 करोड़ रुपए देने के बाद ठाकरे की स्मारक के लिए क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो छोटे मोटे दरार चल रहे थे, मुठभेड़ दोनों के बीच में जो आपसी टकराव चल रहे थे, इसके बाद इनकी स्थिति जाके सुधरी है और अब ये गठबंधन के लिए क्या करें प्रयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, शिवसेना और बीजेपी में जो महाराष्ट्र में खींचातानी है, वो खींचातानी इसलिए है कि पहले बीजेपी छोटा भाई थे और शिवसेना बड़ा भाई थे जी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी गलती उद्धव ठाकरे से हो गई, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटों की ज़्यादा डिमांड को पूरा नहीं किया और अलग चुनाव लड़ बैठे। वही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां बीजेपी ने अपने को बड़ा भाई साबित कर दिया जी। और उसके बाद से ही ये खींचातानी हमेशा देखिए, आप जब भी बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी वहां पर, तो हमेशा शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, क्योंकि शिवसेना बड़ी पार्टनर थी उसमें। लेकिन बाल ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे उस बात को समझ नहीं पाए कि अब नरेंद्र मोदी जो हिंदी हार्टलैंड में जो हिंदू एक नेता की छवि होती है, वो उन्होंने प्राप्त कर ली है 14 में, और वो लड़े और उन्होंने उसका खामियाजा भुगता। उसकी खीज उनको बहुत दिनों तक रही, उसी खीज में वो कभी अंदर आते हैं, कभी एक दूसरे से बयानबाजी करते हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, जब ये बहुत बयानबाजी, राम मंदिर चले गए उद्धव ठाकरे, ये सब किया इन्होंने, और उसके बाद अमित शाह ने जो वहाँ बयान दे दिया कि साथ आए तो ठीक है, नहीं तो पटक देंगे जी। और उसके बाद से इंटरनल सर्वे होना शुरू हो गए दोनों पार्टियों के, कुछ मीडिया के भी सर्वे होना शुरू हो गए, जिसमें ये बताया गया कि अगर अलग अलग लड़े तो शिवसेना तो बहुत गंभीर संकट में चली जाएगी, हो सकता है वो 2-3 ही लोकसभा की सीट, बीजेपी भी नीचे जाएगी, लेकिन शिवसेना की हालत तो 2-3 सीट पर रह जाएगी। उस बात से बाद शिवसेना में एक बड़ी बेचैनी थी, और आप देखिए एकदम से शिवसेना के मुख्य पत्र जो सामना है उनका, उसने बीजेपी के खिलाफ लिखना पिछले करीब एक महीने से लिखना एकदम बंद कर दिया था। वो अपनी पिक्चर में बिजी थे, ठाकरे पिक्चर आएगी ये आएगी, बाकी सब वो बात कर रहे थे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ खुल के नहीं। जिस दिन से वो बयान दिया अमित शाह ने कि साथ आए तो ठीक है, नहीं तो पटक देंगे उठा के, तो उस बयान के बाद पे भी शिवसेना बहुत रिएक्ट नहीं करी। और ये जो गठबंधन अब हो रहा है, शिवसेना की अपनी मजबूरी है। अब इसमें जो ये जो 100 करोड़ का दिया गया, बाल ठाकरे के ऊपर बनाया गया सब कुछ जो है, ये उनको एक सांत्वना देने के लिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई आपको कोई बहाना चाहिए कि हम साथ आने का, तो उस पर उन्होंने एक बहाना कर दिया है कि भाई हमने आपको देखिए बाल ठाकरे के लिए किया, स्मारक बनाया, ये कि हम बाल ठाकरे को इतना पूछते हैं, कहिए तो बहुत कोई पुरस्कार भी बड़ा कर दें, घोषित कर दें बाल ठाकरे के नाम पर, ये सब होगा। लेकिन शिवसेना इस समय मजबूर है, और देखिएगा मैं आपको सीट बंटवारे में भी बता रहा हूँ कि शिवसेना अब बीजेपी की बात मान जाएगी, क्योंकि उसका इंटरनल सर्वे बता चुका है उसे कि वो कहाँ पे खड़ी है उस समय। जी अजय जी, जैसे नवीन जी ने कहा कि शिवसेना अब बीजेपी की बात मान जाएगी, क्योंकि अंदर की जो सर्वे की गई है उसमें ये बात पता चली है कि वो कहाँ पर खड़े हैं, किस स्थान पर खड़े हैं, तो जो शिवसेना की जो मांग है 2 और सीटों की, क्या बीजेपी उसको अपनाएगी और उसके साथ गठबंधन करेगी या फिर उस पर मुकर जाएगी? हाँ, देखिए नवीन जी ने जो बात कही बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ जी। शिवसेना की वहाँ मजबूरी है, बात बिल्कुल सही है कि शिवसेना कभी बड़े भाई के रूप में वहाँ काम करती थी, अब इस समय छोटे भाई के रूप में उनकी भी मजबूरी है। अब जहाँ तक 2 सीटों के विवाद है, मुझे ये लगता है कि आपस में सहमति बन जाएगी, एक एक सीट पर निपटारा हो जाएगा। शिवसेना की भी मजबूरी और भारतीय जनता पार्टी की, ये बात नहीं है कि दोनों अगर मिलके नहीं लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो स्थिति महाराष्ट्र की बनी है और अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लड़ते हैं मिल करके,
तभी दोनों का कल्याण है, अन्यथा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि अगर नहीं साथ लड़ोगे तो पटक देंगे, पटकने का मतलब वो उनको पटकेंगे, वो उनको पटकेंगे, तो उसमें वही है कि जब दो उनकी लड़ाई होती है तो फायदा कोई दूसरा उठाता है, तो वही कह दिया बिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा उठाएगा, वही निश्चिति है। मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई ना कोई सर्वमान्य हल निकल आएगा। अभी दो सीटें शिवसेना ज्यादा मांग रही है, निश्चित रूप से एक एक पर समझौता हो जाएगा, मजबूरी दोनों के साथ। जी नवीन जी, वो कि अभी कांग्रेस से मतलब महाराष्ट्र से कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है, तो अगर इन दोनों लोगों का गठबंधन हो जाता है शिवसेना और बीजेपी का, तो फिर कांग्रेस क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए वहां पे कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन होना ही है। एनसीपी तो ये सोच रही है बहुत दिनों से कि किसी तरह से अगर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो जाए ठीक से तो हम कुछ ज्यादा डिमांड रख सके कांग्रेस के सामने। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सब जो गठबंधन होते हैं सब भाव ताव का बड़ा खेल है जी। हमारी अगर ज्यादा फंसी है गोट तो हमारा भाव ज्यादा है, हमारी कम। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि रामविलास पासवान ने किस तरह से सब कुछ अपने मन मुताबिक करा लिया अमित शाह से, ठीक उसी तरह वहां पे भी है। अगर शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हो गया तो कांग्रेस की मजबूरी है कि वो एनसीपी की कुछ मांगों को मान ही ले, नहीं तो एनसीपी ने कहीं अगर घोषणा कर दी, या एनसीपी देखिए एक बड़ा दांव भी चल सकती है कि एनसीपी उस अलायंस में चला चली जाए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा वहां पर। क्योंकि शरद यादव से माहिर राजनेता भी भारत में वो बड़े माहिर नेता माने जाते हैं, शरद यादव, शरद पवार, उनकी रणनीति का आप कोई खुलासा नहीं कर सकते, ना उनके दिल में जो बात होती है वो जमान में बहुत कमी आती है। तो वहां पे जो स्थितियां हैं वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की अगर घोषणा हो गई या लगा कि वो पास आ रहे हैं तो एनसीपी कांग्रेस को भी मुश्किल में डालेगी और एनसीपी अपनी बातें मनवाएगी जी। तो लगातार आरक्षण को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और अमित शाह ने जो बोला था कि अगर पार्टी गठबंधन करती है तो हम उसका सहयोग करेंगे और गठबंधन नहीं करती है तो हम उसका करारा जवाब देंगे, इसको लेकर शिवसेना ने के बीच में कुछ खटास आई थी बीजेपी और शिवसेना के बीच, लेकिन लगातार ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि लगातार ये गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं मजबूरी झलक रही है। और बढ़ते आगे खबरों की तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों की एक सभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यात्रा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक दिन की अपनी इस यात्रा के दौरान गांधी दो बजे नए रायपुर के राजोत्सव मेला ग्राउंड में होने वाली किसान आभार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर कृषि ऋण माफ करने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आज राहुल गांधी रायपुर की यात्रा पर रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव होने की जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस वहां पे किसानों को इसका आधार मान रही है, तो क्या अब लोकसभा का भी विगुल फूकेंगे राहुल गांधी आज रायपुर के दौरे से? अजय जी क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, अब तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में जीत हुई है, निश्चित रूप से जीत का उल्लास है और उसी के साथ साथ आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। जी राहुल गांधी रायपुर जा रहे हैं, वहाँ उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी किसानों के ऋण माफ हुए लेकिन किस तरह से हुए वो विवाद का विषय है। लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वो जा रहे हैं, रैली करेंगे, किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र देंगे सार्वजनिक रूप से, उसका उपयोग अब वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे। कांग्रेस इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, जहाँ विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है और जीत के साथ साथ तीनों जगह उनके मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप है कि अब राहुल गांधी प्रचार के लिए निकलेंगे, जाएंगे, यही इनका माध्यम है कि इन तीन राज्यों में भी लोकसभा के चुनाव में वो ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताएं इसके लिए। और जहाँ तक रायपुर जाने की बात है, जाना है, स्वाभाविक रूप से जाना चाहिए, अब तो उनके दौरे और भी बढ़ेंगे और आज ही उनकी रैली भी है वहाँ पर, किसानों की रैली कर रहे हैं। इनका सारा फोकस अब किसानों पर रहेगा, किसानों के ऋण माफ़ी
क्योंकि मोदी जी ने भी किसानों की ऋण माफ़ी की बात की थी, यहाँ योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में जब 2017 के विधानसभा के चुनाव थे तब भी योगी जी ने किसानों की ऋण माफ़ी की बात की थी। ये बात अलग है, किसी के 100 रुपये माफ़ हुए थे, किसी के 1,000, वो बात के विवाद के विषय हैं। लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ जा करके ऋण माफ़ी के जो प्रमाण पत्र देंगे वो भी एक चर्चा में रहेगी, खबर बनेगी, प्रचार होगा। और अब तो प्रचार का समय है, 2 महीने के लगभग विधानसभा लोकसभा चुनाव के रह गए हैं। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल जो का मुखिया है इन मौकों का लाभ उठावेगा, और यही लाभ उठाने के लिए आज राहुल गांधी रायपुर पहुंच रहे हैं। जी नवीन जी, 15 साल बाद बीजेपी को करारा शकस्त देकर आज रायपुर पहुंचे और किसान आभार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी देंगे, तो आखिर ऋण माफी के कह सकते हैं कि जाल में बीजेपी को घेर लिया है कांग्रेस ने। और लगातार मनोज सिन्हा का भी स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने बोला छलावा है, ऋण माफी जो है वो छलावा है और कांग्रेस जो है इसमें किसानों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के भी ऋण माफ कर रही है, यहां तक कि 100 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक ऋण माफ किया। तो क्या कांग्रेस ने जीत सत्ता वहां पर हासिल की ऋण माफी के आधार पर, या फिर बीजेपी को उन्होंने ऋण माफी के सिकंजे में घेर लिया है? देखिए, जो रायपुर का दौरा है, ये दौरा तो पहले से प्रस्तावित था, लेकिन इस दौरे में जो ऋण माफी के पत्र बांटे जाएंगे ये बाद में इंक्लूड हुआ। जी क्यों इंक्लूड किया गया है? जब से ये खबर आ रही है, जब से 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई है, और तब से ये खबर आ रही है कि वहाँ किसानों का कार्ड जो है ठीक चला, ये बीजेपी ने भी मान लिया है, इसको लगभग कमोबेश मान लिया है। तो बीजेपी ने, और ये राजनीतिक हलकों में इसमें बड़ी तेज खबर है कि कोई कैबिनेट की जो अगली बैठक हो रही है, बड़ी स्पीड से ये खबर आ रही है कि कोई बड़ा राहत पैकेज आ रहा है किसानों के लिए, बहुत बड़ा राहत पैकेज कुछ केंद्र सरकार घोषणा करने वाली है। इसको देखते हुए पहले ही उस चीज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, क्योंकि पहले से ये कार्ड जो है तो ये कांग्रेस का कार्ड है, पहले किसानों को कर्ज माफी और ये सब जब जो राज्यों में जीत हासिल हुई, तो उसको और दर्शन और पूरे मीडिया में छाने के लिए वहाँ पे अब देखिएगा, आप इसकी पिक्चर्स देखिएगा कि राहुल गांधी जो किसानों को ऋण पत्र दे रहे हैं उनकी फोटोएं, उनकी वो ज़्यादा पब्लिसिटी की जाएगी। कांग्रेस भी जो प्रवक्ता वहाँ से बयान देंगे वो उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे कि भाई हम पहले से ही किसानों के कल्याण की बात कर रहे हैं, हम आपसे ज़्यादा कल्याण बात कर रहे हैं, आप तो हमारी मजबूरी में ये राहत पैकेज लेके आए हो जब हमने आपको मजबूर कर दिया। तो यही एक संदेश वो देना चाहते हैं कि जो भी सरकार अब लाने वाली है राहत पैकेज, वो चाहे जैसा है, बड़ा है कि छोटा है, उस राहत पैकेज को लाने के लिए हमने मजबूर किया, ये संदेश वो कांग्रेस जो है देना चाहती है। उसी के तहत या ये रैली हो रही है, उसी के तहत सारा बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पर ऋण माफ करते हुए राहुल गांधी की फोटो में आएंगी, आप देखिएगा सारे ज्यादातर फोटो पे उन्हीं फोटो में फोकस होगा। कि रैली पहले से तो इस पे ये इस पे निर्णय लिया जा चुका था कि रायपुर की रैली करेंगे 15 सालों बाद सत्ता वहां पर हासिल करने के बाद, और ऋण माफी प्रमाण पत्र इसमें बाद में इसमें शामिल हुआ, और इसके लिए उन्होंने बीजेपी लगातार इस पे किसानों को राहत देने के लिए पैकेज देने की बात कर रही है, राहत देने की बात कर रही है। तो आगे बीजेपी क्या इस पर रुख इख्तियार करती है, पैकेज वो देती है या किसानों की ऋण माफी पर कोई योजनाएं बनाती है? और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मांग कर रहे साधु संत आज से अगले 3 दिन तक प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में परम धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। यह परम धर्म संसद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से किया जा रहा है। साधु और संतों ने इस संबंध में बड़ा ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि राम मंदिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुंभ में आयोजित हो रही परम धर्म संसद 28, 29, 30 जनवरी तक चलेगी, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए चर्चा होगी और रणनीति बनेगी। इस परम धर्म संसद के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साधु और संत अयोध्या कूच करेंगे। इस परम धर्म संसद में 1008 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिसमें सभी 4 पीठों के प्रतिनिधि, कई देशों के प्रतिनिधि, 13 अखाड़ों से प्रतिनिधि,
7 पुरियों के प्रतिनिधि, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधि, सभी संसदीय क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि इस धर्म संसद में मौजूद रहेंगे। बाबा रामदेव जी ने और गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। न्यायालय और सरकार इसमें अपना कोई ना कोई जल्दी निर्णय सुना दे, इसको बनाने के लिए बाधाएं दूर कर दे। यदि साधु संत महात्मा या हिंदू समाज हो करके और मंदिर बनाएगा तो उसमें समाज में संघर्ष पैदा होने की संभावना है, इसलिए जब भूमि का अधिग्रहण हो चुका है तो उसको खाली हिंदू समाज को सौंपने की जरूरत है। देखो, न्यायालय से निर्णय जल्दी आने की संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे तो लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। हम लोग एक धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं जिसमें देश के सभी प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं धर्म संसद में, उनमें देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे राम जन्मभूमि है, जैसे गो हत्या मंदिर है और दूसरे दूसरे जितने भी धार्मिक प्रश्न हैं, उन सब के संबंध में धर्म संसद अपने निर्णय देगी। सरकार को इसके लिए करने के लिए उनको बल देकर बोलेगी कि आप इस कार्य को पूरा करें। और अब साधु संतों के साथ साथ बाबा रामदेव जी भी इस रामलला के जो अग्नि है उसमें कूद पड़े हैं और शंकराचार्य जी आज 28-29-30 से आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो साधु संतों के साथ अयोध्या मामले पर कूच करेंगे। तो एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का हुआ था जो कि सफलता प्राप्त की थी, और एक तरफ अब शंकराचार्य जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने जा रहे हैं और परम धर्म संसद इसमें आज 28-3 दिन की ये बैठक होगी, आंदोलन होगी। तो क्या 1930 की सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलता के साथ साथ 2019 की ये आंदोलन सफलता प्राप्त कर पाएगी, नवीन जी क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए डेटों का, 28-29-30 जी परम धर्म संसद कुंभ में, 29 तारीख को योगी कैबिनेट की मीटिंग कुंभ में। अब इसका तारतम आप देखिए, बड़ा एकदम सब कुछ तय करके किया गया है। 29 तारीख को पहले सुनवाई टल गई है, रोष है, सरकार ये कहेगी कि इतना रोष है, साधु संत जो हैं संसद में निर्णय लेंगे कि वहाँ अयोध्या कूच करने का। सरकार 29 तारीख को हो सकता है कुंभ में कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई है उसमें बड़ा कोई फैसला करे, हो सकता है कि वो फैसला जो रामदेव जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी हो सकता है, शायद मेरे ख्याल से रामदेव की जबान से निकल गया है कि वो अधिग्रहण जो जमीन सरकार के पास है उसको या कुछ हिस्सा या वो पूरी जमीन वो देने का ऐलान कर दें। देखिए, इसमें फायदा बहुत है, ऐलान कर दिया आपने, उसके बाद वो जाके कोर्ट में अटक जाए, कुछ भी हो उससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी, हमने तो दे दिया था, कोर्ट में अटक गया नहीं मिला या मिल गया, हर तरीके से उनको फायदा है इसमें। तो हो सकता है, जो मेरा मानना है कि जो सरकार के पास अधिकृत जमीन है वो देने का फैसला कल करें मीटिंग में वहाँ। यही ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है कल आप लोगों के लिए। आलोक जी, माफ करिएगा, अजय जी, ये जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि तीन जो दिन है 28-29-30, 29 तारीख को आज सुनवाई होनी थी, कल सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही बोबड़े जी चले गए छुट्टी पे, 29 तारीख को कैबिनेट बैठक होनी है और 28-29-30 में ही संसद धर्म संसद भी लगेगा जिसमें 1008 प्रतिनिधि शामिल होंगे और 31 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की भी बैठक होगी। इन चारों दिन को एक ही साथ कुंभ में ही रखने का ये जो है, एक जो कह सकते हैं, एक जो लिंक, जो मुद्दा जुड़ा हुआ है एक दूसरे, एक क्या ये कोई और तरफ संकेत कर रहा है या फिर राम मंदिर जुड़े जो मामले हैं इस तरफ कोई एक फैसले आने की संकेत इसमें दिए जा रहे हैं? श्रुति जी, देखिये, अभी योगी जी ने भी कहा
एक चैनल पे बातचीत करते हुए कि साहब कोर्ट हमको सौंप दे, हमारे पास उसका हल है। बात उन्होंने कही, मुख्यमंत्री हैं, कोई ना कोई हल उनके पास होगा। लेकिन जिस तरह से हमारे नवीन जी ने बात की, मैं उनसे सहमत हूँ, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं फिर सोची समझी रणनीति कह रहा हूँ, क्यों? जैसे 29 तारीख को इसकी सुनवाई होनी थी, सुनवाई आगे बढ़ गई, कैबिनेट की मीटिंग भी उसी दिन कुंभ में रखी गई है, प्रयागराज में रखी गई है। अब धर्म संसद हर बार होती, जब भी कुंभ होती तब धर्म संसद होता है, और धर्म संसद के अंदर हर बार ये प्रस्ताव पारित करते कि आप मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जाएंगे, हम कूच करेंगे, सब है। बाबा रामदेव भी पहले से तो थे नहीं, लेकिन अब इधर भी इतने, और स्वामी स्वरूपानंद तो मंदिर मुद्दे पर एक पार्टी विशेष की तरफ से जुड़े। मैं पार्टी विशेष नाम ले रहा हूँ, क्योंकि साधुओं में भी दो दल बने हुए जी। एक सत्ता पक्ष का प्रेमी होता है और एक विपक्ष का प्रेमी होता है। स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, कहाँ के प्रेमी हैं सब जानते हैं उनको। लेकिन इस मुद्दे को अब कैसे गरमाया जाए, अगले दो महीनों में कैसे इसका लाभ लिया जाए, सोची समझी रणनीति के तहत है। और मैं समझता हूँ कि होगा कुछ नहीं, कुछ लोग मार्च निकालेंगे, वहां तक जा नहीं पाएंगे, पुलिस की बंदोबस्त रहेगी, हर बार रहा। देखिये 6 दिसंबर को जो लोग वहां पहुंचे वो कानून व्यवस्था को तोड़ करके पहुंचे थे, और वो जानते थे कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, कल्याण सिंह की सरकार है, पुलिस अपनी है। दंदनाते हुए लोग पहुंच गए। इससे पहले जब मुलायम सिंह की सरकार में लोग गए थे, पीटे भी गए थे, गोलियां भी चली थी, 16 लोग उसमें मारे भी गए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग कूच करेंगे, जाएंगे वहां तक, प्रतीकात्मक तरीके से कुछ कर भी देंगे, तो एक जो बरसों से ठंडा पड़ा हुआ 6 दिसंबर के बाद से ये मामला गर्मी आ जाएगी। हो सकता है चुनाव में लाभ लेने का उसका एक प्रयास किया जाए। मैं तो ये समझता हूँ ये सब अब चुनावी, राम मंदिर तो अब राजनीति का मुद्दा हो गया है, धर्म या आस्था से उसका संबंध नहीं रह गया है। धर्म और आस्था से अगर संबंध होता तो जिस तरह लोग गिराने गए थे उसी तरह जाकर के लोग बनाने भी जा सकते हैं। गिराने के लिए आप जा सकते हो तो बनाने के लिए क्यों नहीं जा सकते। और इस सरकार को, आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, शुरुआती दौर से जिस दिन मोदी जी बने थे, अगर इस मुद्दे को हल करने के लिए पहल करते तो निश्चित रूप से आज ये मुद्दा हल हो, कोई बहुत बड़ा बात, बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी समय में इसका कैसे लाभ लिया जाए, वही इसका एक स्वरूप है, और उसी के तहत सोची समझे रणनीति के तहत ये 4 दिन के तारीखें तय हुई जी। नवीन जी, दो पक्ष आ रहे हैं सामने अयोध्या से, कुछ संत जो है वो कोर्ट के फैसले के तरफ हैं, और कुछ जो है वो कह रहे हैं नहीं, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। दो पक्ष वहां भी बन चुके हैं संतों के बीच में भी, कुछ कोर्ट के तरफ हैं और कुछ कोर्ट के खिलाफ हैं। तो इन दोनों फैसलों के चलते, और एक पक्ष ये भी बोल रहा है कि हमें चाणक्य नीति के तहत एक राजा, नए राजा को गठित करना पड़ेगा, एक नए राजा बनाना पड़ेगा, तब जाके राम मंदिर का निर्माण होगा। तो ये साधुओं के बीच में भी जो दो तीन गुटे बन गए हैं, आखिर ये किस आधार पे बन रहे हैं? क्या जो पक्ष में है जो और विपक्ष में नहीं है, जो ऐसे स्टेटमेंट जो लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनका उनकी भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं आखिर? देखिए होता क्या है कि साधु संतों में आज से नहीं हमेशा से राजनीति का रहा, जब अखाड़े थे और राजाओं का शासन होता था तब भी ये राजनीति करते थे, ऐसा नहीं कि तभी राजनीति नहीं करते, तब भी राजनीति करते थे, राजा के बारे में स्टेटमेंट जारी करते थे कि उसका पुत्र बड़ा बलवान होगा, ये ऐसा नहीं कि आज से इन्होंने किया, ये सब पहले से करते हैं। और पक्ष होता ही है, देखिए एक कभी कांग्रेस सत्ता आती है, कभी बीजेपी सत्ता आएगी, अब तो लगभग ये तय ही हो गया कि दो गुटों में से एक गुट की सत्ता आएगी, भले वो किसी और लोगों के साथ मिल के आए या उनके बगैर आए। तो ये साधु संतों में भी खेमेबंदी इसी वजह से हो गई है, कुछ साधु कांग्रेस के पक्ष पे के स्टैंड को करना चाहते हैं क्योंकि उनको बाद में सत्ता का लाभ मिलेगा, कुछ लोग अभी सत्ता का लाभ ले रहे जो पहले नहीं ले पाए थे। तो लेकिन होता क्या है, जिसकी सत्ता होती है उसकी तरफ ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो तत्कालीन मलाई खा लेना चाहते हैं कि किसी से हमको लाभ मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर सरकार कोई बड़ा फैसला कर देगी जिसपे राम मंदिर लगे, ये लोग जनमानस को लगे कि जनमानस भी बहुत अक्लमंद हो गया, वो जानता है कि राजनीति हो रही है, अगर कोई बड़ा फैसला आप करेंगे
जैसा कि 10% आरक्षण में करके भाजपा ने देख लिया है कि हमको हाँ फायदा गेन हो रहा है, हमको फायदा मिल रहा है, जहाँ तक रामविलास पासवान ने भी कह दिया कि 10% वोट बढ़ रहा है हमारा। तो अगर सरकार को ये पता लग गया है, इसीलिए वो फसल बीमा पे जा रहे हैं, इसीलिए वो कोई बड़ा राहत पैकेज घोषित करने वाले हैं, उसी तरह वो ये मंदिर वाले मुद्दे को भी इतना गर्मा चुके हैं कि अगर अब उन्होंने बीजेपी ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया जो ये जनमानस को संदेश दे कि हम वाकई गंभीर हैं मंदिर के लिए, तो बीजेपी को बहुत हानि होगी, ये तय है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बीजेपी वहाँ पे कुंभ में जो कैबिनेट की मीटिंग करने जा रही है उसमें कोई बड़ा फैसला ही लेगी, भले वो फैसला बाद में गिर जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ खेल बनाया गया है इसमें ये तय है कि बीजेपी कुछ करने जा रही है। तो बीजेपी कुछ करेगी या नहीं करेगी, कोर्ट कोई फैसला करेगा या नहीं करेगा, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। और 28, 29, 30 को परम धर्म आंदोलन के तहत, ये आंदोलन के तहत कुछ करने जा रहे हैं, 101,008 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। ये आंदोलन सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राम मंदिर पे तारीख मिलती जाएगी। लोगों के जो धर्म और आस्था जुड़े हुए हैं उस मंदिर को लेकर, इस पे सियासी चाल चलती चलेंगी लगातार या फिर इस पे कोई फैसला आएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी कर भारत से भाग गए मुख्य आरोपियों में से एक कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाना मुश्किल हो गया है। एंटीगुआ के अधिकारियों ने कहा कि मेहुल चौकसी को अभी भारत नहीं भेजा जा रहा है। एंटीगुआ के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि भारत सरकार का कोई अधिकारी उनके देश में मेहुल चौकसी को लेने आया है। एक चैनल से बातचीत करते हुए एंटीगुआ के अधिकारी लियोनेल हर्ट्स ने कहा कि हमारी समझ में चौकसी ने अपनी भारतीय नागरिकता सरेंडर कर दी है, इसकी वजह से वह अब भारत के नागरिक नहीं हो सकते, इसलिए एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती क्योंकि इससे वह स्टेटलेस पर्सन बन जाएंगे और हमें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो अब मेहुल चौकसी को भारत नहीं भेजा जाएगा। एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार ने कहा कि भारत की नागरिकता से वंचित हो चुके हैं, अब वो उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और अब उन्होंने एंटीगुआ में नागरिकता ले ली है और अगर हम उनको नागरिकता से वंचित करते हैं तो वो एक पर्सनलेस, वो नागरिकता पर्सनलेस हो जाएंगे। और इस बात को लेते हुए अब ईडी और सीबीआई क्या रुख इख्तियार करेगी, आलोक अजय जी क्या बोलेंगे? देखिए, अब ये टेक्निकल मामला है और सही बात भी है कि ये जो चौकसी है ये उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, स्वाभाविक रूप से इनको भारत लाना अब दिक्कत है। इसी तरह कई और लोग भी भागे हैं, सबके साथ यही समस्या है। सरकार इसको किस तरह से करेगी आने वाला समय, इसमें टेक्निकल राय और वैधानिक राय भी लेनी जरूरी है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि दिक्कत आएगी, इस तरह से लोग यहाँ से पैसा ले करके, यहाँ से पीएनबी बैंक से इतना बड़ा घोटाला करके लोग भाग जाते हैं। हमें तो लगता भागने ही क्यों दिया जाता, क्यों उनका रास्ता पहले से नहीं रोक लिया जाता, भागने के बाद जब हम सतर्क होते हैं तो ये एक, हम तो इसको लापरवाही यहाँ की खुफिया एजेंसीज की, सीबीआई की या ईडी की, इन सब की लापरवाही ज़्यादा मानते हैं कि पहले तो आप भागने का मौका दे देते हो, इतनी भी आप खुफिया गिरी नहीं कर सकते हैं कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लें, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार, जिसने भी बैंक लोन लिया है तो ये कोई आज लिया और आज भाग गया है नहीं है, बरसों से उसकी जांच हो रही होगी और वो मौका निकाल करके भागता, तब तक आप क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई कर लेते हैं कि उसके सारे रास्ते बंद कर दें। एक अपराधी अगर इधर उधर से जाता तो आप जिला बदर करके उसको पकड़ करके ले आते हैं, ठीक है यहाँ का मामला है, लेकिन दूसरे देश का मामला है तो उसकी कार्रवाई पहले की जानी चाहिए। मैं तो इसी तरह कह रहा हूँ, खुफिया एजेंसी की पूरी तरह ये असफलता है और इसमें कैसे हो ऐसे जो अपराधी, आर्थिक अपराधी जो हमारे यहाँ का पैसा लेकर के, हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार करके दूसरे देशों में चले गए, कैसे ले आ जाए, इसके लिए एक गंभीर कानून भी बनाए जाने चाहिए। कुछ रिवाइज करें, कुछ कानून ऐसे हैं रिवाइज करें और उन देशों से बात करें, उनको विश्वास में लें, ये भी एक बात हो सकती है कि कूटनीतिक तरीके से कि भाई हमारे यहाँ का अपराधी आप अगर शरण देंगे तो हमारे आपके संबंध खराब होंगे, कुछ इस तरह की भी कूटनीतिक चालें चलनी चाहिए। लेकिन केवल इसलिए कि साहब वो भाग गया, उसने हमारे भारत की नागरिकता छोड़ दी है, उस देश की नागरिकता ले ली है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और अपनी खुफिया एजेंसियों को और सतर्कता बरतनी चाहिए।
नवीन जी, अभी अजय जी ने बोला कि एक कूटनीतिज्ञ इख्तियार करना चाहिए सरकार को, कि अगर हमारे यहाँ जो जिसको प्रत्यारोपण करना है एक दिन पहले और वो जाके आपके यहाँ नागरिकता ले लेता है, तो इससे हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो खराब होंगे। तो आखिर क्यों नहीं सरकार इस पर वो कूटनीतिज्ञ क्यों नहीं बना रही है, क्यों उसको जाने दिया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाथों में कोई चीज थी और उसको रेत की तरह फिसलते दिया जा रहा है। देखिए, सरकार ने पिछले दिनों ही इस बात से सबक लेते हुए जितने भी बड़े लोन सैंक्शन हो रहे हैं, अब जो गाइडलाइन भेजी गई है आरबीआई की तरफ से, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि जिसको जो भी बड़ा लोन लेगा उसको ये बताना हो और वो बताएगा कि वो कितनी नागरिकता उसने ले रखी है, एक बात। और दूसरा ये वो बताएगा कि उसके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, तो जब भी वो किसी और देश की नागरिकता लेगा तो वो सूचित करेगा उसको तुरंत। ये एक प्रावधान के लिए पहले से काम शुरू हो गया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो छोटे छोटे देश होते हैं, एंटीगुआ जो ये जो बनाना जिनको कंट्री कहते हैं, अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कंट्री बने, ये कंट्री हैं या अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री हैं, इनके पास यही काम है, या यूरोप में भी जो रशिया से अलग होकर छोटे छोटे कंट्री बन गए, उनके पास ये बहुत बड़ा काम मिल गया उनको। ये क्या करते हैं, इनकी प्रत्यर्पण संधि तो होती नहीं है किसी और से, ये क्या करते हैं कि जैसे कोई बड़ा व्यापारी आ गया भाग करके या कोई बड़ा कुख्यात व्यक्ति आ गया भाग करके, तो ये उससे वहाँ की जो एक सरकार होती है वो एक छोटे स्तर की, उनका बजट बहुत छोटा होता है, तो ये बड़ा पैसा देते हैं या ये वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी किसी देश में तो ये नियम है कि आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी जी, मतलब छोटे देश ये भी आपको एक नियम देते हैं कि आपने एंटीगुआ में कोई बड़ा सा कारोबार लगा दिया तो उसके बिहार पे भी आपको तुरंत नागरिकता दे देंगे वो, और फिर वो आपको बचाएंगे भी उस सारे बातों से, उनको भी पता है कि भारत क्यों इनके प्रधान। लेकिन इसी जगह पे आपकी कूटनीति काम आती है। अमेरिका है, किसी देश से संधि हो चाहे ना हो चाहे कुछ हो, उठा के ले आते हैं वो पकड़ के, उनको मालूम वो देश विरोध भी नहीं करता। आपको इस पूरे केस में अगर मेहुल चौकसी को लाना है, एंटीगुआ की सरकार कुछ भी कहे, आज आप अपने जो अमेरिका से आपके संबंध सुधरे हैं या आप उसके प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए कि भाई आप हमें दिलाइए, किसी तरीके से हमें दिक्कत है, वो आपको दिला देंगे। जैसे हिंद महासागर में जब चीन का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ तो आपके अमेरिका से साझेदारी ने उसको रोका तुरंत ले जा करके, तो आप कोई इस मामले में वही करना पड़ेगा। भारत इतना मजबूत नहीं है कि भारत एंटीगुआ को बहुत आंखें दिखाए या मिलिट्री उसका ऑपरेशन का ताकत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उनके साझेदार तो ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं उनके लिए, अब वो आप दिला देंगे। आप बड़ी डील कर लीजिए, आप आगे गवर्नमेंट से बड़ी डील करिए कि भाई हम आपको आपका व्यापार रोक देंगे, आपसे सामान ज्यादा खरीदेंगे, आपको ज्यादा हम यहाँ पे सहायता देंगे, तकनीकी रूप से आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन आप मेहुल चौकसी को सौंप दीजिए तो आपको मिल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति हो तब। सही बात। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन्हीं की सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके, वरना जनता सपने पूरे नहीं होने पर नेताओं की पिटाई करती है। नितिन गडकरी ने यह बयान देते हुए किसी नेता या पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका बयान विपक्ष के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका साबित हो रहा है। गडकरी की इस टिप्पणी से कांग्रेस और AIIMIM यानी सांसद ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गडकरी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, पीएमओ सर नितिन गडकरी ने आपको बड़ी चालाकी से आईना दिखा दिया। और नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा या वो सुनाते हैं। लोगों को अच्छे लगते हैं पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है, और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूँ। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता, मैं जो बोलता हूँ 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। मुंबई वाले मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखते हैं कि मैं जब मंत्री था तो मैं कहता था, मैं यहीं का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और मैं कहता था 55 उड्डान पुल बनाएंगे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुंबई पुणे हाईवे बनाएंगे, तो लोग मुझे हंसते थे, और मैं बता था कि 2 घंटे में आप आओगे तो लोग मजाक उड़ाते थे, ट्रेल लिखेंगे कि झूठ बोलता है। और आपको मालूम है तीनों काम हमने पूरे कर दिए और समय के पहले पूरे। मैंने एक छोटा सा निर्णय किया था कि ब्रिज बनाने वाले जो लोग हैं, रोड बनाने वाले, जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन लेट करेगा उसको।
अपनी तारीफ और सपने ना सपने वही दिखाओ जो पूरा कर सको, आखिर ये किसके तरफ बयान था नितिन गडकरी का। और इसी के साथ कांग्रेस और ओवैसी जी ने पलटवार किया। ओवैसी ने बोला कि पीएमओ सर नितिन गडकरी ने आपको बड़ी चालाकी से आईना दिखा दिया। तो क्या आईना ये किसको दिखाया है आलोक अजय जी? ये नितिन गडकरी का जो ये स्टेटमेंट आया है, आखिर इन्होंने ये जो बोला है कि बोलते वही हैं जो करते हैं और वही सपने दिखाने चाहिए जो पूरे कर सके, ये बयान उनका क्या संबोधित करता है? देखिए, नितिन गडकरी एक मंजे हुए नेता, महाराष्ट्र के हैं, दिग्गज नेताओं में, और उन्होंने जो ये कहा, स्वाभाविक रूप से अपने ही लोगों को आईना दिखाने की उन्होंने बात की, किसी बाहरी की बात उन्होंने नहीं की। और उन्होंने एक बात और कही उस बयान में अपने, कि उस समय हमें नहीं पता था कि हम सरकार में, तो इसलिए बहुत सी बातें हमें कहनी पड़ी, हमें से मतलब वो उनका इशारा जिनकी तरफ है सब जानते हैं। तो वो आज ये कह रहे हैं कि अगर ये पता होता हम सरकार में आ जाएंगे तो शायद हम ऐसी लंबी लंबी बातें न करते। उनका कि सपने दिखाने वाले अगर पूरा नहीं करते हैं तो जनता उनको पीटती है जी, ये हमेशा से रहा, आज कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी बहुत से लोगों ने प्रदेश में भी सपने दिखाए थे और बाद में उनकी क्या हश्र हुआ, 1975 में ले लीजिए, इमरजेंसी के समय भी क्या बातें की गई थी, उसके बाद जो सरकार बनी वो उसमें नहीं जा। लेकिन आज स्थिति सही है, आपने बहुत से सपने दिखाए थे, नवयुवकों को भी सपने दिखाए थे कि हम इतना रोजगार देंगे, हम 15-15 लाख रुपया आएंगे, उसके बाद उसमें सफाई दी गई कि हमने ये तर्क दिया था कि अगर विदेश का पैसा सारा वापस आ जाएगा तो लोगों के खातों में 15 अगर सब था। लेकिन अब उसको किस ढंग से लोगों ने पेश किया, क्या चीजें आई, वो एक अलग बात। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी ने अपने लोगों को भाई 2019 में अगर बोलना है तो बहुत संभल करके बोलना है, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि अगली बार हमें जनता स्वाभाविक रूप से सपने पूरा न करने वालों को जिस तरह पिटाई की जाती ऐसी स्थिति ना हो। तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने नेताओं को, खुद अपने को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस तरह के वादे नहीं किए, मैंने अगर पुल बनाने की बात की तो किया। तो बड़े एक मंजे हुए नेता हैं, बड़े संयम ढंग से और बड़े सही रास्ते से उन्होंने अपने लोगों को आईना दिखाने का काम किया। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने को आईना दिखाएंगे तो विपक्ष के लोग कटाक्ष करेंगे ही, चाहे ओवैसी ने किया हो चाहे और लोगों ने किया हो, अपने ढंग से करेंगे। और ये निश्चित भी कि गडकरी ने जो कहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको हकीकत लग रही होगी जी। तो गडकरी जी को ये हकीकत लग रही थी और उनका जो ये बयान था आईना दिखाने का, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि आईना अगर हम अपने को दिखाएंगे तो कटाक्ष बाकी लोग विपक्षी दल करेंगे ही करेंगे। नवीन जी और एक समय ये भी था जब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का इन्होंने तारीफ की थी और साथ ही इन्होंने ये बोला था कि आरक्षण देने से कोई फायदा नहीं होगा, नौकरियां तो होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसके मायने जो लोग समझ रहे हैं वो तो है ही है, सीधे सीधे उन्होंने पीएम को कटघरे में लाया। लेकिन नितिन गडकरी का जो ये बयान है ये बहुत कुछ भाजपा की और संघ के अंदर राजनीति का भी एक परिचायक है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका बड़ा सफल कार्यकाल था जिसमें आरएसएस और भाजपा के संबंध बड़े मधुर रहे। नितिन गडकरी आरएसएस के बड़े नजदीक समझे जाते हैं, हमेशा आरएसएस की हर शाखा हर कार्यक्रम में वो जाते हैं, मोहन भागवत के भी बहुत नजदीकी हैं। और दूसरी बात है कि इस पूरी कैबिनेट, इस पूरे सरकार में सिर्फ एक मंत्री ऐसे हैं नितिन गडकरी जिनके कामकाज को लेके कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनपे अपोजिशन वाले भी उंगली नहीं उठाते, बचते हैं जी। जब सड़क का आंकड़ा दिया जाता है कोई प्रवक्ता द्वारा किसी चैनल पे तो दूसरे प्रवक्ता जो है बचते हैं, इस विषय पे नहीं जाना चाहते कि सड़क रोज कितनी बन रही है, या क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नवीन जी थोड़ा जल्दी, समय कम है हमें। और नितिन गडकरी आगे जो भाजपा की लड़ाई होने वाली है, सपोज मान लीजिए एनडीए हार गया और बीजेपी दूर रह गई सत्ता से, तो आगे आने वाली राजनीति में नितिन गडकरी अपने को एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस उन्हें आगे कर रहा है जी। ठीक, तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे नवीन जी और अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।